कोरोना काल में एक बार फिर से स्कूलों में पढ़ाई आरंभ हो गई है। पिछले दो दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश तथा बर्फबारी के कारण जहां कम ही छात्र स्कूलों में पहुंचे, वहीं आज धूप खिलते ही बच्चों ने स्कूलों का रुख किया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते करीब एक माह बाद 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई स्कूलों में शुरू हुई है। गौरतलब है कि जिला चंबा के ग्रीष्मकालीन सत्र के 86 सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई है। वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा के प्रधानाचार्य राजेश कश्यप ने बताया कि 3 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं और कोरोना नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई आरंभ की गई है। I'm Sia Mahajan of Standard 12 Medical. Yes. Today I'm here and काफी time बाद हमारी classes offline लग गई हैं. So it's such an amazing day. Ma'am ने आज हमें offline पढ़ाया and seriously बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. And online में इतने अच्छे से studies नहीं होती थी. मेरा नाम हर्षिता है. मैं 6th class की student हूँ. आज हम काफ़ी समय के बाद स्कूल में आए हैं. हमारी ऑनलाइन स्टडी भी रेगुलरली चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन में हमें इतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो आज हम स्कूल में आए हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आया. हाँ जी, राजेश कश्यप प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिडिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा. जैसा कि सरकार ने 3 तारीख से स्कूलों को शुरू किया है, और क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन भी होनी थी, तो फर्स्ट डोज में हमारे 573 जो बच्चे 15 to 18 एलिजिबल कैंडिडेट थे, उनको फर्स्ट डोज तो पूरा कंप्लीट हो चुका है. और सेकेंड डोज जब जो लगना था तो मोस्ट प्रोबेबली 312 लड़कियों को डोज जो है लग चुका है. उसके बावजूद जो बच्चे अभी, क्योंकि सर्दियां थी, बच्चे स्कूलों में कम ही आ रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन से दिख रहे हैं बच्चों की स्ट्रेंथ बड़ी कम है. लेकिन जो गाइडलाइन SOP के तहत जारी की गई है विभाग के द्वारा, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डेली बच्चों की जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वैसे तो बड़े कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं उनको हम सुबह ही ग्राउंड में उनको स्कैनिंग करते हैं. स्कैनिंग के बाद ही उन बच्चों को अंदर जाने की परमिशन दी जाती है. इसके अतिरिक्त क्लासेज में भी इनको 50-50 जो इनकी गाइडलाइन हमें मिली थी कि जितने बच्चे हैं उनका 50% ही बच्चों को बुलाया जाए, उसी ढंग से हमने अल्टरनेटिव वे में बच्चों को बुलाया है. एक दिन प्लस वन और ये टू आती है, और सेकेंड डे हम 9th और 10th को बुला रहे हैं. अभी फिलहाल बच्चों की स्ट्रेंथ जो बहुत कम है, इसलिए जो जैसे दो दो सेक्शंस हैं 10th की 9th की, क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं, 6-6 बच्चे आ रहे हैं, तो हम उन सबको एक ही क्लास में बिठा रहे हैं. 12-12 बच्चे आ रहे हैं टोटल. तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मेरे को लगता है कि मंडे से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि उस वक्त हमें इनको अल्टरनेटिव वे में भी बुलाना पड़ सकता है.